Globalization has impacted education policies all over the world. In this module, we are going to see the impact of globalization on educational policies. Globalization in its different forms has shown a profound impact on different aspects of education, including education targets, study disciplines, resources. The most visible effect on education is of economic globalization. के स्टडी टारगेट्स भी चेंज हुए हैं, साथ साथ में स्टडी डिसिप्लिन्स भी. अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कौन से डिसिप्लिन्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और कौन से डिसिप्लिन्स जो हैं वो रिडंडेंट कर दिए गए हैं. सो जो ग्लोबलाइजेशन है इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है दैट इज ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन. The growing impact of globalization has forced nation states to enhance the skill levels of their labor force. सबसे important effect जो आया है वो ये कि education को skilled workforce देनी है to the states. In turn, this has produced comprehensive reviews of their education systems. The impact of economic globalization is that many nation states attempt to maximize the economic benefits that can be accrued from a system of educational provision planned to meet specific economic and business needs. तो हमें ये नजर आ रहा है ये पिछली तीन स्लाइड्स में कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है उसने ऐसे टारगेट्स जो हैं वो एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर सेट करवाए हैं कि जिनका पर्पस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास स्किल्ड लेबर फोर्स आए एंड अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बेनिफिट द बिजनेस ऑफ द कंट्री, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. ग्लोबलाइजेशन हैज मेड अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम मटेरियल प्रोडक्शन towards a knowledge driven economy whereby investment in human capital constitutes the key to national competitiveness. ye ek bahut bada economic paradigm shift bhi aaya hai under the influence of globalization. ke pehle ye hota tha ki aapke paas sirf skilled लेबर फोर्स रिक्वायर्ड थी जो कि इंडस्ट्री में काम कर सके, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने स्किल्ड लेबर फोर्स तो कही है बट एट द सेम टाइम जो इसमें शिफ्ट आया है दैट इज नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी. कि नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की जब हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट. जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज कैपिटल. कि अगर आपके पास अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू रन बिजनेस एंड दे आर गोइंग टू हेल्प इन रेजिंग द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंट्री. तो नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है इट हैज इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को देखते हैं कि व्हाट इज इट. ह्यूमन कैपिटल थ्योरी हैज इंपैक्टेड एजुकेशनल पॉलिसीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूमन कैपिटल थ्योरी पुट्स एन एम्फेसिस ऑन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल चॉइसेस, द डिमांड्स ऑफ द लेबर मार्केट फॉर स्पेसिफिक स्किल्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इट इज एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल थ्योरी पुट्स एन एम्फेसिस ऑन इंटर रिलेशनशिप between individual choices, the demands of the labor market for specific skills and economic growth. तो ये एक interrelationship है जिसके अंदर आपने अपनी एक individual choice भी है कि what do you want to study, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि market के अंदर किस चीज की demand है, कौन सी skills जो हैं वो उसको जरूरत है, economic growth किन चीजों से हो सकती है. ये इंडिविजुअल चॉइसेस इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी है और आपके हुकूमती सतह के ऊपर भी चॉइस हो सकती है कि व्हाट डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू बी, व्हाट डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू स्टडी, कि आपने फ्यूचर में कौन से इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से लेने हैं. नीड फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपिटल. एल्मोर आर्ग्यूज दैट इन ऑर्डर टू सस्टेन द प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and regain its competitive position in the world economy, the USA will need a better educated workforce. In 1988 mein Elmore ne kaha tha ki agar to USA
कि जो लोग हैं वो अपना प्रेजेंट लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करना चाहते हैं और दे वांट टू रीगेन देयर कंपेटिटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि 1988 में वर्ल्ड इकोनॉमी में पोजीशन जो थी यूएसए की वो नहीं थी जो कि उससे पिछले 10 सालों में थी. तो उन्होंने बात ये की कि यूएसए नीड्स बेटर एजुकेटेड वर्कफोर्स. सो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज द हॉलमार्क ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसी, कि हमें ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करना है और उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है. इन ऑस्ट्रेलिया इट हैज बीन सीन दैट स्टूडेंट्स मैथमेटिकल केपेबिलिटी मस्ट बी इम्प्रूव्ड टू एनेबल द इकोनॉमी टू ग्रो एंड बी कंपेटिटिव. वहां पर मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके. सो इट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इन न्यूजीलैंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डिवेलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग मोर ग्रेजुएट्स फॉर साइंस बेस्ड ऑक्यूपेशंस. अगेन हमें नजर आ रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. सो एजुकेशन पॉलिसी इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड मार्केट क्या है? द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डज एट लीस्ट इन पार्ट लाई इन देयर स्केरसिटी, के आपके पास जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन किसी एक फील्ड में कम है उतनी ज्यादा उसकी डिमांड है. अगर एक मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, बड़े पैमाने के ऊपर एग्रीकल्चर हो रही है, लेकिन उसमें जो लोग हैं हु आर स्किलफुल, हु हैव नॉलेज एंड हु हैव क्वालिफिकेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो बहुत कम है, तो उनकी इकोनॉमिक डिमांड बहुत ज्यादा होगी. Hence, education shares the main characteristics of other commodities traded in the marketplace. तो बिल्कुल वैसे ही ऐसी commodity जो कि कम है उसकी demand ज्यादा होती है. So education is considered a commodity इस perspective के अंदर. तो ये वाली जो हमें statement नजर आई है तो ये भी नजर आ रहा है कि education के ऊपर economic globalization का कितना influence है. जो terms use हुई हैं इस स्लाइड के अंदर वो इंडिकेट कर रही हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन पॉलिसीज. एग्बो आर्ग्यूज दैट द मोस्ट इफेक्टिव रूट टू इकोनॉमिक वेलबींग फॉर एनी सोसाइटी इज थ्रू इट्स ह्यूमन कैपिटल. Therefore, education is to be regarded as a productive investment rather than merely a form of consumption or something intrinsically valuable in its own right. तो अगेन ये भी शो करता है कि हाँ एक एजुकेशन की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू इसका जो रोल है इकोनॉमी के हवाले से उस हवाले से इसकी वैल्यू है. फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स जो पहले हम अगर एजुकेशन पॉलिसीज को देखें 1960 से पहले की तो हमें ये टर्म्स इतनी ज्यादा नजर नहीं आएंगी, लेकिन बाद की जो पिछले 50 साल के अंदर ये टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं इन एजुकेशन पॉलिसीज. वो क्या है? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, क्वालिटी, प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी, चॉइस, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट. तो ये टर्म्स भी इंडिकेट करती हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज एक्चुअली अफेक्टिंग एजुकेशन एंड पर्टिकुलरली एजुकेशन पॉलिसीज. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन हैज बिकम अ कमोडिटी विद बोथ द इंडिविजुअल एंड द स्टेट एज कंज्यूमर, द इंडिविजुअल सीकिंग टू मैक्सिमाइज पर्सनल बेनिफिट एंड द स्टेट सीकिंग टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इंडिविजुअल भी कमोडिटी के तौर पर एजुकेशन को ले रहा है और स्टेट भी. Globalization is the most profound influence on education policies across the world. Globalization has promoted the concept of human capital. Education has become a commodity under globalization, and globalization has changed terms in education.